नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह वीपी का ऑलओवर चैनल पर आप सभी अन्नदाताओं का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, अब तक गर्मी का मौसम रहा था, लेकिन अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने तक लगातार अच्छी खासी सर्दी पड़ेगी और आप सभी अन्नदाताओं लोगों को ये मालूम होगा अच्छी तरीका से कि हमारी जो गाय होती है उसकी प्रेगनेंसी की, हीट में आने की और गर्भधारण करने की सीजन ऑफ हो जाती है। कुछ मेरे अन्नदाता भाई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पूरी गाय है, 3 साल की, 4 साल की, वो हीट में नहीं आ रही है, बार बार रिपीट ब्रीडिंग कर रही है। यदि हम उसे क्रॉस भी करवाते हैं नंदी से या AI करवाते हैं, उसके बाद भी सीमन को कंसीव नहीं कर रही है। ये तो हमारी नॉर्मल, यानी कि गर्मियों के मौसम में ये ऐसा टाइम रहा और अब सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी के मौसम में क्या होता है, गाय के सीजन ख़त्म हो जाती है। गाय यानी कि प्रेगनेंसी 5% प्रेगनेंट होती हैं और 95% गाय होती हैं जो वो प्रेगनेंट नहीं होती हैं। उनका सीजन शुरू होता है फरवरी मार्च से, 15 फरवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर 15 अक्टूबर तक का उनका टाइम चलता है हीट में आने का और गर्भधारण करने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चादानी में कोई कमी होती है, बच्चादानी में स्वेलिंग होती है या फिर कहीं पर कोई सिस्ट होती है या फिर ओवा जनरेट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए और सर्दियों के अपोजिट मौसम में सीमन को कंसीव करने वाली आज टॉप क्लास गोली के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। टॉप क्लास बोलस जो है उसके विषय में आज मैं बात कर रहा हूं। यदि आपने वह बोलस कंटिन्यूअस 21 दिन तक खिला ली और उसके साथ में 25 ग्राम यहां का भेजा हुआ पाउडर आपने खिला लिया, तो आपकी गाय 100% कितनी भी भयंकर सर्दी पड़ रही हो, उस सर्दी में भी पूरी तरीके से हीट में आएगी और एक बार में सीमन को कंसीव करेगी। तो चलते हैं सीधे सीधे बोलस की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, एलेम्बेक फार्मा की एक बोलस है एस्ट्रोफिट। साइड में आप देख रहे हैं एस्ट्रोफिट का जो रैपर लगा हुआ है, आप इस बोलस को देख सकते हैं। इसका एक पैकेट आता है जिसमें 3 पैकेट निकलते हैं, 3 स्ट्रिप निकलते हैं। एक स्ट्रिप में 7 बोलस निकलती हैं मेरे प्यारे साथियों, और वह आपको खरीदना पड़ेगा। चाहे आप अपने यहाँ से खरीद सकते हैं या यहाँ से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं। 7 बोलस का एक स्ट्रिप निकलता है और 3 स्ट्रिप एक पैकेट में निकलते हैं, 21 बोलस निकलती हैं। और एक स्ट्रिप बोलस की जो 7 गोली की कीमत ₹225 है। मेरे प्यारे साथियों, एस्ट्रोफिट गोली को हम कैसे खिलाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। दिन में हमें कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लेना है। यदि मान लीजिए मैंने शाम को 4 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया है, तो 21 दिन तक हमें ये बोलस, एस्ट्रोफिट बोलस जो है वो 21 दिन लगातार 4 बजे ही खिलानी है। लेकिन बोलस खिलाने से पहले एक काम करना है, अपनी गाय की जो हीट में नहीं आ रही है, रिपीट ब्रीडर आया है या सीमन को कंसीव नहीं कर रही है या बच्चादानी डेवलप नहीं हुई है, ओवरी में सिस्ट है, ओवा जनरेट नहीं कर रही, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप एक बोलस फेंडिकाइंड प्लस की खिला दीजिएगा। 3 ग्राम की आती है। यदि फेंडिकाइंड प्लस नहीं मिलती है तो आपके एरिया में मेडिकल पे जो भी डिवार्मिंग की बोलस मिलती है उससे आप डिवार्मिंग करा दीजिए। उसके बाद में एक बोलस एस्ट्रोफिट की 21 दिन तक लगातार खिलाइएगा। और प्यारे साथियों, हमारे यहाँ एक पाउडर जनरेट किया गया, पाउडर बनाया गया है इस बोलस के साथ में वर्क करने के लिए। वह पाउडर कई वनस्पतियों से मिला हुआ है, जैसे कि पलाश के फूल हैं और अड़ूसा के फल हैं, शतावर पाउडर, अर्जुन पाउडर, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एक 500 ग्राम पाउडर तैयार किया हुआ है। ये पाउडर आपको अपनी गाय को 25 ग्राम पर डे शाम को बोलस खिलाने के बाद में 21 दिन तक लगातार खिलाना है, 25 ग्राम रोज़। कैसे खिलाएंगे, 250 ग्राम आटा ले लीजिए, उसमें पाउडर मिला लीजिए, पाउडर मिला करके चारे पे डाल दीजिएगा। 21 दिन बाद आपकी गाय कितनी भी भयंकर सर्दी पड़ रही होगी, तुसार पड़ रहा होगा, उसमें भी हीट में आएगी और हीट में आने पर
आप AI करवा दीजिए या नंदी से क्रॉस करवा दीजिए, आपकी गाय 100% सीमन को कंसीव करेगी। और पाउडर मंगाने के लिए आप 24 घंटे हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 9760-71-35-40 तीन से चार दिन में ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों के घरों तक बाई पोस्ट पहुंच जाएगा। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उस कंडीशन में आप हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।